जालौर में लोकसभा चुनावों के परिणामों के बीच दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के कर रही दावे। लोकसभा चुनाव में जालौर संसदीय क्षेत्र में 7.38% बढ़ा इस बार वोट प्रतिशत, 2014 की तुलना में 2019 में बढ़ा वोट प्रतिशत। बढ़े हुए वोट प्रतिशत से दोनों पार्टियों को बड़ी उम्मीदें। जालौर में लोकसभा चुनावों का परिणाम 23 मई को आएगा, लेकिन परिणामों के इंतजार के बीच दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। जालौर संसदीय क्षेत्र में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हुए वोट प्रतिशत में इस बार 2019 में हुए वोट प्रतिशत बढ़ा है, 7.38% वोट बढ़ा है। बढ़े हुए वोट प्रतिशत से दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। एक और भाजपा दावा कर रही है कि मोदी लहर के चलते इतने प्रतिशत वोट बढ़ा है, जिससे भाजपा को बड़ा फायदा होगा। वहीं कांग्रेस को भी बढ़े हुए वोट प्रतिशत से बड़े फायदे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं जालौर में इस बार महिलाएं भी कम नहीं रही, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में अभी हुए लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत भी जबरदस्त बढ़ा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मतदाताओं में जबरदस्त जागरूकता मतदान को लेकर आई है।